नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे पति पत्नी के ऊपर। मैं ऐसे कई वीडियोज बना चुकी हूं और आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया है। तो आज का हमारा वीडियो है कि अगर हमारे पति हमसे दूर रहते हैं, हमारे पास नहीं रहते, कहीं दूर रह के जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम जो मैं अपने लास्ट वीडियो में नियम बताई थी कि पति का दिल जीतने के लिए हमें कौन से पांच उपाय करने चाहिए, तो आप लोगों के सवाल थे कि हमारे पति अगर हमसे दूर रहते हैं तो मैम दी वो उपाय हम कैसे करें और पति का दिल जीते, उनका प्यार पाए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। क्या करके अपने पति का दिल जीत सकती है, अपने तरफ अट्रैक्ट रख सकती है, तो शुरू करते हैं। और एक और जो नियम है वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा हंसी आएगी कि जब आप रेडी होती हैं, मेकअप करती हैं, क्योंकि पतियों को भी अच्छा लगता है कि पत्नियाँ सज संवर के रहें, रेडी रहें, और पति की लंबी उम्र के लिए पति देखे ना देखे, ऐसे तो कहा जाता है कि जब तक ना पड़े आशिक की नज़र, श्रृंगार अधूरा रहता है। तो मान लीजिए दूर हैं, तो अगर वीडियो कॉल हो सके तो करके दिखा दीजिए, अगर किसी भी त्यौहार में, तीज में अगर आप तैयार हुई हैं तो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप फ़ोटो वगैरह, पिक वगैरह तो ज़रूरी भेज सकती हैं। तो जब तैयार हो रही हैं तो थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकाल के पतियों को भेज दीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा रहम करिए कि उससे भी वो थोड़ा खुश रहें। पति दूर रहे या पास में रहे, आपकी जो अच्छी आदतें हैं ना, आपके पति को कभी आपको भूलने नहीं देंगी। आपकी जो एक एक आपका स्वभाव है, आपकी वाणी है, मिठास है, आप उनके साथ कैसा उनका केयर करती हैं, वो सब चीज़ें आपके पति को कभी भूलने नहीं देगी कि चलो पत्नी दूर है तो पति भूल जाए, उसका केयर ना करे, ऐसी बात नहीं है। पति भी बहुत समझदार होते हैं और वो जो हैं, जो समझदार आदमी होता है वो क्षण भर में ना आपकी आदतों को पहचान जाएगा, आपसे परिचित हो जाएगा कि आप किस स्वभाव की हैं, कैसी हैं। तो इसीलिए आप चिंता मत करिए कि हम दूर हैं तो अपने पति का केयर कैसे करें। तो आप अपने पति के केयर करने के लिए देखिए, दूर से तो हर कार्य नहीं किया जा सकता, जो मैं बताई थी कि पति ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा सा बाय करके आइए, ऑफिस से वापस आते हैं तो थोड़ा सा वेलकम करने जाइए, उससे कुछ होता नहीं है बहुत खास, लेकिन पति को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है और ये सब आदतें आपके पति के दिल को छू जाता है और गहराइयों तक पहुंचता है। तो पति पत्नी की जो अगर रिश्ते को आप बरकरार और सुंदर मधुर रखना चाहते हैं संबंध को, तो आपको ये छोटी छोटी आदतें अपनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उससे हम बहुत कुछ पति के लिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन उतना ही केयर उनके लिए थोड़ा सा दिखाना ना, प्यार दिखाना उनको बहुत अच्छा लगता है, आप करके देखिएगा। तो अगर आप मान लीजिए दूर हैं तो फ़ोन तो है ना, आजकल तो ज़माना डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फ़ोन से भी आप अपने प्यार को जता सकते हैं, अपनी केयरिंग, आप कितना केयरिंग है वो भी आप उनको बता सकती हैं। तो क्या करना है कि देखिए, सुबह ज़माना जो है बहुत बुरा है, आजकल लोग रात में सोते हैं, बहुत टेंशन लेके सोते हैं, बहुत सारे दिमाग में तनाव चलते रहता है। तो पहले तो सबसे पहले सोने से पहले पति हो, पत्नी हो या और भी कोई सदस्य हो, अपने मन को शांत कर लीजिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा दो चार डेग छत हो या थोड़ा सा स्पेस हो, अभी तो बाहर भी नहीं जा सकते, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करके मन को शांत करके सोइए। मन में इतनी सारी टेंशन लेके नहीं सोना है, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत बुरा है, अकेले लोग रहते हैं और सोते हैं, सोचते हैं, और फिर हजार तरीके की बीमारियां उनको पकड़ती हैं और बीपी हाई हो जाता है, और फिर कई सारे लोग, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, सोते हैं तो उठते ही नहीं हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं। तो इसीलिए आप टेंशन
लेके कुछ फ़ायदा नहीं है दुनिया में, जो होगा वही है, वही जो राम रची राखा, भगवान जो रच के रखे हैं उसको कोई काटने वाला नहीं है, कोई मिटाने वाला नहीं है। दो पल की ज़िंदगी है, इसी को प्यार से जी लीजिए। क्यों झगड़ा करना, क्यों लड़ाई करना, क्यों कलेश रखना रिश्ते के बीच में? पति हो या पत्नी हो, थोड़ा सा प्यार का ज़िंदगी जी लीजिए। दो बातें प्यार के मीठे बोल आपस में बातें कर लीजिए, उससे कहीं कुछ किसी का नुकसान नहीं है। तो इसलिए सुबह सो के उठ के सबसे पहले अपने पति को फ़ोन लगाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग मत लगा दीजिए, आप पता कर लीजिए वो कब तक सोते हैं। डिस्टर्ब भी नहीं करना है कि अरे हम आपका केयर करने के लिए चलो भोर में ही फ़ोन लगा दें, तो इस तरीके से भी नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले उनका खबर ले लीजिए, रात कैसे बीता, स्वस्थ हैं, क्या हैं, क्या नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, उठे नहीं उठे। तो इस तरीके से भी आप उनका केयर कर सकती हैं दूर रह के भी। फिर आप क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कैसे ड्रेस रेडी है, नहीं रेडी है, बस इतनी छोटी छोटी बातें अगर आप उनसे पूछ लेंगे ना, वही उनके लिए बहुत बड़ा ताकत और हिम्मत उनको मिलता है। उसी बातों से उनको भी लगेगा चलो मेरी वाइफ दूर भी है तो कितना मेरा केयर करती है, कितना मेरा ख्याल रखती है। ये भी पतियों को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए एक अच्छी पत्नी बनने के लिए दूर रहे नज़दीक रहे बहुत सारी बातों को ले के चलना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। उनकी फैमिली को भी खुश रखिए, अगर फैमिली के साथ अगर हैं तो ये हो गया। फिर ऑफिस जा रहे हैं तो थोड़ा सा दोपहर में एक बार तो एक कॉल कर ही सकती हैं। कॉल अगर नहीं कर सकते तो आप कम से कम मैसेजेस से भी आप उनके हाल समाचार लेते रहिए, कहाँ हैं, कैसे हैं, पहुँचे नहीं पहुँचे। घर आने का टाइम हो थोड़ा वो भी आप पूछ लीजिए, मैसेज ही कर लीजिए, एक व्हाट्सएप कर लीजिए कि आप कैसे हैं। तो ये भी एक अच्छी पत्नी के बहुत बड़ा गुण है, पति को केयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पास में ही रहिएगा तो केयर कर सकती हैं, आप दूर रह के भी पति के दिल को जीत सकती हैं, केयर कर सकती हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका ही सवाल था आप लोगों का कि मैम हम पति से दूर रहते हैं तो हम उनका केयर कैसे करें, आपके बताए हुए जो नियम हैं हम कैसे आजमाएं? तो इस तरीके से भी आप आजमा सकती हैं। फिर मान लीजिए कोई व्रत त्यौहार है तो आप उनको पैर छू के तो नमस्ते नहीं कर सकती, लेकिन दूर से ही नमस्ते जरूर करिए पति को। सबसे पहले पति से ही हमारा सब कुछ है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बच्चों को छोड़ दीजिए, परिवार वालों को छोड़ दीजिए, माँ बाप को छोड़ दीजिए, पेरेंट्स को, लेकिन एक औरत के लिए आप दिल से फील करिएगा, मेरी बातें आपको गलत नहीं लगेंगी, कि पति से बड़ा दुनिया में एक औरत के लिए कुछ भी नहीं है। हर पूजा पाठ में, हर शादी विवाह में, हर अच्छे ओकेजन पे जब पति है तभी आपकी पूछ है, नहीं तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, ना 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 आप दूर ही रहो, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पति से हमारी पूरी दुनिया रंगीन है, उसी से हमारा इज्जत है, सम्मान है, समाज में 10 लोगों के बीच में हम बैठ सकते हैं। उनको क्या पसंद है, नहीं पसंद है, इन बातों का भी आप ध्यान रखें। हर व्रत त्यौहार में आप उनको प्रणाम करने के लिए ज़रूर फ़ोन करिए, या वो फॉरेन में हो, एब्रॉड में हो, या इंडिया में हो, कहीं भी हो। आपको इस तरीके से अपने पति के साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, उनके दिल को जीतने के लिए अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनसे बातें करिए, प्यार भरी बातें करिए। घर के टेंशन वाले माहौल को, हर बात को उन्हें मत बताइए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे नुकसान होगा। फिर वो अकेले रहेंगे, हज़ार तरह की बातें सोचेंगे, उनके दिमाग में आएगा। तो इसलिए खुशनुमा माहौल रखिए, अच्छी बातें उनसे शेयर करिए। थोड़ा जो छोटा मोटा टेंशन है वो तो बता ही सकती हैं, किससे बताएंगे, पति से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? तो इस तरीके से आप अपने पति का दूर रह के भी ख्याल रख सकती हैं। रात में क्या खाएं, नहीं खाएं, मान लीजिए अगर आपके पति खाना बनाना जानते हैं, अगर बना लेते हैं तब तो अच्छी बात है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, तो आप मोबाइल से वीडियो कॉल करके भी उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है आप उनके लिए थोड़ा सा हेल्प करके खाना भी बनवा सकती हैं, किस तरीके से बना लीजिए, रेसिपी लिखवा सकती हैं, आइडिया दे सकती हैं। तो इसी तरीके का आप माहौल रखिए, उनको थोड़ा सा दो बातें जितना ही बात करिए खुशी से करिए,
हंसते हुए करिए, मुस्कुराते हुए करिए, टेंशन मत दीजिए। और सुबह सबसे पहले उनको फ़ोन अवश्य करिए, थोड़ा सा अपने बारे में बता लीजिए, उनके बारे में पूछ लीजिए। तो इस तरीके से भी करके अपने पति के दिल को आप जीत सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि जो भी महिलाएं दूर रहती हैं अपने पतियों से, तो इस तरीके से आप करके और पति के मन को जीत सकती हैं। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करिए।